नसरुद्दीन शाह को कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर ने कहा आतंकवादियों का समर्थक, मची सनसनी। विवेक अग्निहोत्री ने कहा मैं नासिर साहब का फैन हूँ पर अब वो बूढ़े हो गए हैं। नसरुद्दीन शाह ने गदर 2, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी की सक्सेस पर जताई थी नाराजगी, अब विवाद में फंसे। नसरुद्दीन शाह को नजरंगार का समर्थक भी कहा जा रहा है, बॉलीवुड 2 खेमों में बटा। नसरुद्दीन शाह बॉलीवुड का जाना माना नाम है, उनकी फिल्मों ने दशकों से दर्शकों का खासा मनोरंजन किया है, पर अब नसरुद्दीन के एक बयान ने बवाल मचा दिया है। माहौल ऐसा हो गया है कि नसरुद्दीन शाह को आतंकवादियों का समर्थक करार दिया जा रहा है। गनीमत है कि अभी उन्हें आतंकवादी नहीं कहा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नसरुद्दीन शाह ने ऐसा कर क्या दिया है जो उन्हें ये सब सुनने को मिल रहा है। आइए आपको पूरी खबर बताते हैं। नसरुद्दीन शाह ने हाल ही में द कश्मीर फाइल, गदर 2 जैसी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस सक्सेस पर सवाल उठाए। उन्होंने इन फिल्मों की पॉपुलैरिटी पर निशाना साधा। दरअसल फ्री प्रेस जर्नल को दिए गए इंटरव्यू से जब नसीर से पूछा गया कि क्या उन्हें बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग के ऑब्जेक्ट पर बदलाव नजर आता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये देखना बहुत ही डिस्टर्बिंग है कि द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स और गदर 2 जैसी फिल्में पॉपुलर हैं। वहीं सच पेश करने वाली सुधीर मिश्रा, हंसल मेहता और अनुभव सिन्हा जैसे डायरेक्टर्स की फिल्में देखी ही नहीं जाती। हालांकि अच्छी बात तो यह है कि फिल्म मेकर्स अपनी हिम्मत नहीं हारते और लगातार अच्छी कहानियां सुनाते हैं। नसरुद्दीन के हिसाब से गदर और केरला स्टोरी अच्छी फिल्में नहीं है। अब द कश्मीर फाइल्स की एक्ट्रेस पल्लवी जोशी और गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने एक्टर के इस बयान पर रिएक्ट किया है। अनिल शर्मा ने कहा कि वो एक्टर की बात से हैरान है और पल्लवी जोशी ने कहा कि नसीर की इस बात से उन्हें दुख पहुंचा है। नसरुद्दीन शाह के बयान पर रिएक्ट करते हुए अनिल ने कहा कि मैंने नसीर साहब का वो बयान पढ़ा, इसे पढ़कर मैं हैरान रह गया। नसीर साहब मुझे अच्छे से जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि मैं किस विचारधारा से हूँ। मुझे हैरानी है कि वो गदर 2 के बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं। अनिल ने आगे कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि गदर 2 किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, ना ही ये किसी देश के खिलाफ है। गदर एक ऐसी फिल्म है जो देशभक्ति से भरपूर है। ये एक मसाला फिल्म है जिसे लोग सालों से देखते आ रहे हैं। अनिल ने आखिर में कहा कि मैं नसीर साहब से कहना चाहूंगा कि वो एक बार गदर 2 जरूर देखें, इसके बाद वो अपना बयान बदल देंगे। ई टाइम से बातचीत करने के दौरान पल्लवी ने बताया कि मैंने नसरुद्दीन के उस बयान को पढ़ा है। पल्लवी ने कहा द कश्मीर फाइल्स उस समय की फिल्म नहीं है जैसा नसरुद्दीन मानते हैं और फिल्म देखने के बाद उनका नजरिया बदल सकता है। पल्लवी ने आगे कहा कि जब भी किसी विषय पर खुलकर बात करती हूं तो उस विषय से जुड़ी सारी जानकारी जरूर जुटा लेती हूं। अगर मुझे किसी फिल्म के बारे में बात करनी है तो मैं पहले वो फिल्म जरूर देखूंगी, इसके बाद ही कोई राय बनाऊंगी। पल्लवी ने आखिर में कहा कि मैं नसीर भाई की बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूं, वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरी फिल्म जरूर देखें। हमने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है इसलिए मैं उन्हें अच्छे से जानती हूं। अब अगर वो बिना देखे ही मेरी फिल्म पर कमेंट करते हैं तो मुझे दुख होता है, लेकिन क्या करें, दुनिया ऐसी है। पल्लवी के अलावा द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी नसरुद्दीन शाह के इस बयान पर रिएक्ट किया। जूम एंटरटेनमेंट को दिए गए इंटरव्यू में विवेक ने कहा कि वो सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं और नेगेटिव ही देखते हैं, इसलिए उनको ये फिल्म पसंद नहीं आई है। मैं नसीर साहब का बहुत बड़ा फैन हूं इसलिए मैंने उन्हें द ताशगंज फाइल्स में कास्ट किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बूढ़े हो गए हैं। विवेक ने आगे कहा कि शायद नसरुद्दीन शाह को ऐसा लगता है कि द कश्मीर फाइल्स की सच्चाई से उनका पर्दाफाश हो रहा है। वो ऐसी फिल्में करके खुश है जो नरसंहार का समर्थन करती हैं। शायद वो उन आतंकवादियों से प्यार करते हैं। ऐसे में मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहते हैं। नसरुद्दीन शाह के बयान पर बॉलीवुड भी 2 खेमों में बढ़ गया है। क्या आप भी नसरुद्दीन शाह के बयान से सहमत हैं कि गदर 2 और कश्मीर फाइल्स अच्छी फिल्म नहीं है? अपनी राय हमें कॉमेंट में जरूर दीजिएगा। #भारतNews